हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बार फिर से फुलेर जोधपुर रूट की डबलिंग अपडेट के बारे में। इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ फुलेर जोधपुर डबलिंग अपडेट के ऊपर, तो अगर आपने वो चेक नहीं करी तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 15 दिसंबर से लेकर अभी तक कितना काम हुआ है फुलेर टू जोधपुर डबलिंग का। वैसे इस वीडियो का सारा श्रेय जाता है अब्दुल कादिर जी को, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने रिसेंटली जोधपुर फुलेर रूट पर जर्नी की थी, तो उन्होंने ये सारी वीडियो क्लिप्स ला के मुझे प्रोवाइड करवाई है। इस वीडियो में मुख्यतः आज मैं आपको पीपा रोड जंक्शन से लेकर मकराना तक की डबलिंग अपडेट देने वाला हूँ। पीपा रोड से जोधपुर और मकराना से फुलेरा की हम बात नहीं करने वाले हैं आज इस वीडियो में, वो हम आगे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे उसकी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पीपा रोड जंक्शन से मकराना तक कितना डबलिंग का काम पूरा हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पीपा रोड जंक्शन से लेकर मेहता रोड तक की। तो दिसंबर में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो अपडेट में बताया था कि मेहता रोड से पीपा रोड जंक्शन तक जो है ज़मीन को समतल करने का काम चल रहा है वहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी के महीने में पीपा रोड जंक्शन से लेकर मेहता रोड तक जो समतल करने का काम है ज़मीन को, वो पूरा हो चुका है। आप इन वीडियो क्लिप्स में यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो ट्रैक्स के साइड में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जिस पर ट्रैकमैन वगैरह जो खड़े हो सकते हैं किसी ट्रेन के आने पर, तो वो भी जो है यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। मेड़ता रोड से पीपा रोड जंक्शन तक कुछ कुछ जगह अंडरपास का काम अभी तक चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्च के महीने तक ये पूरा हो जाएगा और आपको मार्च के महीने तक जो है मेड़ता रोड से पीपा रोड जंक्शन तक आपको इस रूट पे ट्रैक्स बिछे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में और थोड़ा सा मैं आपको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ वीडियो को। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पीपा रोड मेड़ता रोड के बीच में जो है यहाँ पे बैलेस्टर रखे हुए हैं बीच में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जल्दी से जो बैलेस्टर है वो बिछाने वाले हैं इस रूट पर और आपको मार्च के महीने में यहाँ पे ट्रैक्स भी बिछे हुए दिखाई देंगे। तो अभी तक हमने जाना पीपा रोड से मेहता रोड तक की डबलिंग अपडेट के बारे में, और बात करूँ आपसे मेहता रोड से लेके रेन स्टेशन तक की डबलिंग के बारे में। तो मेहता रोड से लेके रेन स्टेशन जो है वहाँ पे ज़मीन को प्लेन करने की प्रोसेस अभी जारी है। वहाँ पे पूरी तरीके से ज़मीन को प्लेन किया नहीं गया है और जगह जगह जो वहाँ पर इस रूट पर अंडरपास का काम चल रहा है अभी तक। और आप यहाँ पर जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, ये मेहता रोड से लेके रेन स्टेशन तक के बीच की वीडियो है। चलिए बात कर लेते हैं रेन से लेके डेगाना स्टेशन तक की। तो ये जो सेक्शन है टोटल 26 किलोमीटर का, यहाँ पे कुछ जगह ट्रैक्स बिछाए जा चुके हैं कंप्लीट और कुछ जगह ट्रैक्स बिछाए जाने बाकी हैं। जल्दी यहाँ पे पूरे सेक्शन पे ट्रैक्स बिछाने का काम कंप्लीट हो जाएगा मार्च के महीने तक, या शायद फरवरी में भी कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पर सिग्नलिंग का काम बचेगा और ट्रैक्स के ऊपर जो बैलेस्टर डालने का काम होता है वही यहाँ पर बाकी रहेगा। डेगाना गाचीपुरा सेक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ कुछ जगह जो है ज़मीन प्लेन करने की प्रोसेस अभी जारी है, और जहाँ पर ज़मीन को प्लेन कर दिया गया है वहाँ पे बैलेस्टर बिछा दिए गए हैं और वहाँ पे ट्रैक्स बिछाने की तैयारी भी हो रही है। बात करूँ अगर आपसे गाचीपुरा से आगे मकराना साइड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाचीपुरा मकराना सेक्शन पे जो है ट्रैक्स बिछाने की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे कई जगह ट्रैक्स बिछाए जा चुके हैं। सो गाइज, ये थी फुलेरा जोधपुर डबलिंग अपडेट पार्ट 3। मैं जल्दी आपके लिए फुलेरा जोधपुर डबलिंग अपडेट का पार्ट 4 भी लेके आने वाला हूँ। इस बार मैं खुद जाऊँगा जोधपुर तक और आपके लिए पूरी डिटेल में इस रूट की डबलिंग अपडेट लेके आऊँगा। तो जल्दी से जल्दी आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं हम 200 लाइक्स, और मुझे पता है मैंने पिछली बार 500 लाइक्स रखा था एम, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस बार मैं बहुत कम रख रहा हूँ। आई होप आप ये लाइक्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दोगे। और अगर आपको ऐसे इन फ्यूचर डबलिंग अपडेट चाहिए फुलेर जोधपुर सेक्शन की, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपके लिए एक और डबलिंग अपडेट लेके आने वाला हूँ मार्च के महीने में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज़, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।